हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of September टू 10th of September। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल पाइसिस के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स पाइसिस। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसिस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। 1st to 10th September पाइसिस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए 1st to 10th September पाइसिस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए 1st to 10th September पाइसिस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। ओ वाओ, ओके। पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1st to 10th September में ना एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस कोई काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी एम्बिशियस हो रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने काम के टुवर्ड्स आपका कंसंट्रेशन एंड जो एक डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन जो भी बोल लीजिए वो बहुत ज्यादा है। कोई रिस्क ले रहे हैं आप अपने काम से रिलेटेड, काम को लेकर तो बहुत सॉलिड है मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप लीड कर रहे हैं, आप वेट नहीं कर रहे हैं कि कोई और लीड करेगा या कोई आपको करके दिखाएगा कि कैसे करना है कोई काम या पर्टिकुलर थिंग। यू आर जस्ट लाइक आप आगे बढ़े चले जा रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट हैं, लीड कर रहे हैं, काफी करेजियसली एक्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी काफी दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने काम को आप काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड एज फार एज योर रिलेशनशिप इज कंसर्न, आपको ना किसी चीज की बंदिश फील हो रही है, लाइक आप थोड़ा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। मे बी आप कुछ बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक लग रहा है मुझे। एंड ऑल्सो उसके साथ मुझे लग रहा है कि मे बी ओके, सो ये चीज हो सकती है कि आप मे बी प्रिटेंड कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ कि एवरीथिंग इज ओके, जबकि एवरीथिंग इज नॉट ओके। सो मे बी यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी इन लव, या यू आर प्रिटेंडिंग टू बी कंटेंट एंड सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड, जबकि आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, एंड आप थोड़ा बाहर निकल के इस रिलेशनशिप से अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। और मे बी काम पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बट साइमल्टेनियसली इस रिलेशनशिप में यू आर नॉट हैप्पी। सो वो फीलिंग भी आ सकती है, बिकॉज मुझे तो आपकी तरफ से यही दिख रहा है कि आप इसमें बहुत ही ट्रैप्ड फील कर रहे हो। यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, एंड थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग आ रही है शायद आपको, और मे बी योर माइंड इज टेलिंग यू दैट यू आर हैप्पी बट यू आर नॉट, समथिंग ऑफ दैट। देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए पार्टनर, पाइसिस के पार्टनर क्या फील करते हैं टुवर्ड्स पाइसिस। 1st to 10th September पाइसिस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसिस। यूनिवर्स प्लीज बताइए 1st to 10th September पाइसिस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसिस। यूनिवर्स प्लीज बताइए 1st to 10th September पाइसिस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स पाइसिस। ओके, सो देखिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना उसमें मुझे लग रहा है कि ओके फेयर इनफ, सो आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, एंड आपको यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, यू आर नॉट कंटेंट एटसेट्रा, एंड आप शायद इनसे ब्रेकअप करो एंड दे विल ट्राई टू मूव ऑन, बिकॉज इनकी एनर्जी में मुझे हीलिंग वाली चीज दिख रही है, मूविंग ऑन वाली चीज दिख रही है, ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर पैशन, ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर करियर, अपने पैशन पे ध्यान देना, इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना, पॉजिटिव रहना, डिटर्मिनेशन के साथ काम की तरफ ध्यान देना है, तो मुझे वो चीज दिख रही है। तो मे बी आप इनिशिएट करो, क्योंकि फंसा हुआ आप महसूस कर रहे हैं, तो मे बी आप इनिशिएट करें ये ब्रेकअप, एंड देन आई फील आपके पार्टनर जो है वो मूव ऑन करने में अपना थोड़ा अपनी एनर्जी लगाएं, मूव ऑन करना, हील करना, आपसे बाहर निकलना। आप भी अपने काम पे पूरा ध्यान लगा रहे हो, वो भी अपने काम पे पूरा ध्यान लगा रहे हैं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, मे बी यू माइट पुट अ फुल स्टॉप और दे माइट पुट अ फुल स्टॉप, ये देख के कि आप परेशान आ रहे हो।
सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 1st to 10th September सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 1st to 10th September सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 1st to 10th September सिंगल पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। देखिए पाइसेस, आप में से जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, आई फील कोई इंसान है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये कौन सा इंसान है। कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, कोई चलाकी चल रहा है, थोड़ा सा यू नो लाइक आपको गलत पाथ पे या गलत डायरेक्शन में आपको भेजने की कोशिश कर रहा है, बट ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ किसी ना किसी तरीके की चलाकी चल रहा है, चीट कर रहा है। मे बी चीटिंग भी हो सकती है, आपका हो सकता है ये बॉस हो या कोई फ्रेंड हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी है ये, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कोई हो सकता है। डेफिनेटली आपको पता है कि ये इंसान कौन है, बट आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बता रही है ऑलरेडी, एंड आपको हिंट्स मिल रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, अंदर से गट फीलिंग आ रही है, बट यू आर वेरी काम एंड यू आर वेरी कंपोज एंड यू आर लाइक ये जो कर रहा है ना इसको कर लेने दो, फिर मैं बाद में बताऊंगा इसको जब बताने का सही टाइम होगा, बट अभी लेट हिम डू वट एवर ट्रिक्स ही इज प्लेइंग, लेट हिम डू दैट। मैनिपुलेट कर रहा है कर लें दो, बट आपको समझ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ बन रहे हैं, जो कि फॉर्चुनेटली अच्छी चीज है। बट अगर आप सिंगल हैं, कोई इंसान डेफिनेटली आपको पागल बनाने की कोशिश कर सकता है। अब हम देखेंगे हर एक जोरियक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स एक्वेरियस। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके माइंड बॉडी सोल में फिजिकल या इमोशनल या मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, फिजिकल ब्लॉकेजेस हो गई जैसे कि PCOD, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल साइनस, इनडाइजेशन, गट इश्यूज, शेटिका या कोई भी और चीजें हो गई, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास, पास्ट रिलेशनशिप से कोई ट्रॉमास मिले हैं जिस वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दोबारा डर लगता है किसी रिलेशनशिप में आने से, या फिर आपको लगता है कि मैं इनफ नहीं हूं, या सेल्फ डाउट होता है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये सारी इमोशनल बैगेजेस होते हैं। अब ये ब्लॉकेजेस या बैगेजेस जो भी बोल रहे हैं ये क्यों होते हैं, क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। चक्रास को अनब्लॉक कैसे करना है, चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू, डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है, रेकी सेशंस करवा सकते हैं आप मुझसे, या फिर रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, बहुत अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, आप की तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो आप मुझसे ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से लगता है कि इनकी नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट करती हैं आपको, या अफेक्ट करी हुई हैं, या उनकी नेगेटिव एनर्जीज लैच ऑन कर गई हैं, तो आप मुझसे कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा का कलर देखना है, ये देखना है कि आप लाइफ में किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे हैं अभी, एंड ऑल्सो आपका जो चक्रा है वो कौन सा वीक है, कौन सा सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस टाइम पे, तो वो कलर से डिफाइन होती हैं सारी चीजें, उसके लिए हम ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव रहें, पेशेंस रखें, डेस्परेट ना हो, एंड बिलीव करें इन हीलिंग प्रैक्टिसेस में। अगर ये चार चीजें कर सकते हैं तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ नहीं है। आप प्लीज गो अहेड एंड ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द हीलिंग प्रैक्टिसेस थ्रू मी और थ्रू सम अदर हीलर। बट अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, चुटकी बजाय मंडे को हीलिंग सेशन करा, वेंसडे को रिजल्ट चाहिए, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एनर्जी एंड मनी ऑन हीलिंग प्रैक्टिसेस, देन दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉर यू। क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस में। एरीज की क्या इंटेंशन एनर्जीज वाइब्स फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस। देखिए एरीज को लग रहा है कि हमेशा उन्होंने एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न में काम किया है, रिलेशनशिप्स में डील करा है, एंड हमेशा सेम ही रिजल्ट मिला है। थिंग्स हैव नॉट वर्कड आउट इन देयर पास्ट और प्रीवियस रिलेशनशिप्स, सो दिस टाइम दे वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू। ठीक है, किसी नए तरीके से वो चीजों को हैंडल करना चाहते हैं ताकि एक नया रिजल्ट मिले, सेम रिजल्ट ना मिले। सो आई थिंक वो कुछ डिफरेंट तरीके से आपके साथ डील करने की कोशिश करेंगे। टॉरस की क्या इंटेंशन एनर्जीज वाइब्स फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस। ऑप्शंस हैं टॉरस के पास, बट दे फील कि आपके साथ कनेक्शन जो है वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, क्लिक अच्छे से करे हैं आप दोनों, तो आप
एटलीस्ट उनके ऑप्शन वाली लिस्ट में सबसे टॉप पे हैं, दैट मेक्स यू फील बेटर. जेमिनाई की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस. देखिए, जिस तरीके की वाइब एनर्जी आप जेमिनाई को देंगे, वैसे ही वो आपको वापस देंगे. व्हाट यू गिव विल कम बैक. कर्मा का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा रिलेशनशिप आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है. कैंसर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्पाइसेस. हब्बा हब्बा, सोल टू सोल कनेक्शन. आप दोनों के सोल्स इंटरट्वाइंड है विद ईच अदर, इफ नॉट इन द फिजिकल रेलम देन इन द स्पिरिचुअल रेलम. 5D में आप दोनों के सोल्स एक दूसरे से मिल चुके हैं. लियो की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्पाइसेस. हैरान होने के लिए रेडी हो जाइए. लियो कुछ बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही हटके कर सकते हैं. धक्का लग सकता है आपको, तो थोड़ा सा पहले प्रिपेयर रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड. वर्गो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स पाइसेस. देखिए, वर्गो ने आपको एक्सेप्ट करा है, आपकी यूनिक नेचर को, पर्सनालिटी ट्रेट्स को उन्होंने एक्सेप्ट करा है, एंड दे थरली एंजॉय एंजॉय योर कंपनी. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो फेक करते हैं, वो आपके नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ओके हैं, लाइक वो मस्त रहते हैं आपके साथ. लीब्रा की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्पाइसेस. देखिए, लीब्रा इंसान अगर आपको मिलता है तो प्लीज, वो एक जैकपॉट है, ट्रेजर है, खजाना है, उसको जाने ना दें. ये इंसान आपको इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन दे सकता है जो आपको कहीं और से नहीं मिलेगी. स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्पाइसेस. स्कॉर्पियो आपको पसंद करते हैं, दे लाइक यू, दे अडोर यू, दे फाइंड यू क्यूट रोमांटिकली, और मे बी जस्ट लाइक ऐसे ही प्लेटोनिकली भी शायद. सैजिटेरियस की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्पाइसेस. देखिए, सैजिटेरियस को लगता है दैट यू वर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी. वो क्वालिटीज जो उनको अपने पार्टनर में चाहिए वो आपके अंदर हैं. जो चीजें उनमें नहीं है उनको अपने पार्टनर में चाहिए थी और वो आप में है. सो आई थिंक उनको लगता है कि आप उनके परफेक्ट पार्टनर बन सकते हैं. केप्रिकॉन की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्पाइसेस. केप्रिकॉन एंड पाइसेस, आप दोनों के रिलेशनशिप ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे यू नो लाइक हाइज एंड लोज, एंड बहुत सारे रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स देखी हैं. बट हर चीज के बावजूद, जितनी भी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स आए उनके बावजूद, आप दोनों का प्यार अभी भी बरकरार है. चीजें वैसी की वैसी ही हैं. इनफैक्ट जो फाउंडेशन है ना, वो इतनी सॉलिड है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ. इनफैक्ट और बॉन्ड बढ़ गया और डीप हो गया. एक्वेरियस की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्पाइसेस. एक्वेरियस एंड पाइसेस, आई फील आप दोनों का ना फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा रिलेशनशिप, एंड देन ग्रेजुअली यू विल बिकम लवर्स, यू विल टर्न इन टू लवर्स. बट आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है, बहुत डीप होगी, एंड आप दोनों का जो कंफर्ट लेवल होगा, कंफर्ट स्पेस होगा, वो इतना प्यारा होगा, इतना अच्छा. कई लोगों की रिलेशनशिप में आप उनको देखो, पार्टनर्स को, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो कितने बढ़िया दोस्त हैं. मतलब प्यार मोहब्बत बाद में होता है, और वो मस्खरापन और वो बैंटर, और वो इतना सही होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि यार ये वाला रिलेशनशिप सही है, क्योंकि वो एक्चुअली में सही होता भी है. स्पाइसेस की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स स्पाइसेस. स्पाइसेस एंड स्पाइसेस, आप दोनों की लाइफ में लव फेस्ट चल रहा है ना. आपको सीरियस चीज चाहिए ना उनको सीरियस चीज चाहिए. तो अगर स्पाइसेस स्पाइसेस डील कर रहे हैं, देन आई फील बोथ ऑफ यू लाइक आर इन सिंक, आर ऑन द सेम पेज राइट नाउ. सो इफ यू वॉन्ट टू गो अहेड एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस लव फेस्ट, प्लीज गो अहेड, क्योंकि आई फील सिंक में रहेंगे, सेम पेज पे रहेंगे दोनों लोग. बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. पाइसेस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.